सभी लड्डू तैयार प्रिया प्रिया के जमाई के नहीं जमाई के। गाइस मेरी माता ने एक कड़ा दिलवा दिया मुझे। आने लग रहे घर वापस। मॉर्निंग और आज एक नए दिन की शुरुआत है क्योंकि बड़े दिनों के बाद ऐसे अपने घर आने के बाद सुबह देखी है। और अभी मम्मी निकाल रही है खोआ दूध का और मैं अभी झाड़ू लगा के और अब नाश्ता करूंगी, चाय बनाऊंगी। अभी देखूंगी पराठे भी, अभी मम्मी को दिखाती हूँ। ये देखो मम्मी लगी है यहाँ मावा निकालने क्योंकि मम्मी को बनाने अमित के लिए लड्डू अमित को बेसन के लड्डू बहुत पसंद है तो उसके लिए मावा निकालने लग रही है। सुबह से लगी हुई है इसलिए मैंने सोचा कि एक दो काम मैं कर दूँ ख़त्म। और अभी देखो धूप कितनी तेज़ हो गई। बाकी वहाँ पे इतना मतलब तेज़ धूप नहीं लगती, यहाँ फिर भी तेज़ लग रही है। और ये देखो कितना हरा भरा। और जब माता का मावा निकल जाएगा तब हम जाएंगे मार्केट क्योंकि हमें मार्केट का कुछ काम है, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो वो काम करने जाएंगे जिसके लिए मेरी मम्मी बेसब्री से मुझे बुला रही थी और गाइज अब हम खाएंगे अपना ब्रेकफास्ट, चाय पराठा अचार अभी स्टार्ट करते हैं। अमन मुझे लगता है कल से आज ही खाना खाएगा तीन दिन से है ना, शर्म नहीं आ रही कहते हुए भी। और माता 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 कुछ नहीं बोल रही ये गाइस अब लड्डू बनने का प्रोसीजर स्टार्ट। अरे वाह गरम गरम में मिला हुआ है मम्मी ये, ना ज्यादा गरम में नहीं ना ज्यादा चेड़े में। चलो अच्छा है हम भी सीख लेंगे। बनाओ बनाओ जब फिर हम भी खुद बना लेंगे और जिसको नहीं आते उनको भी आ जाएंगे बेसन के लड्डू। पहले घी में बेसन वो करो और जब वो बेसन लाल हो जाए तो उसे उतार के उसमें फिर मावा मिक्स कर दो। मावे के बाद फिर ड्राई फ्रूट्स डाल दो और ड्राई फ्रूट्स के बाद अब आगे इसमें बूरा डालूंगी। और बस अब मिला के फिर लड्डू बांध दो। माता कितने दिनों में चूल्हा जलाया? ये बजे तेरी भाभी आई थी जब मावा का था, बस मावा निकालने के लिए जला। चूल्हा और उनके दो तो वहीं कर लिए। ये ईंट का है या पूरा वैसा है? पत्थर का है। पत्थर का है। और ये हमारे टाइगर का चारपाई, टाइगर की जगह यही है। जो टाइगर यहाँ होता है वो वहां बंधा होता है और वो सारा दिन यहाँ बैठा रहता है इस पे। वो क्या फिर काम करने देता होगा यहाँ इधर बैठ के बैठा रहे आराम से? बजी भी खान को चाहनी जी वो करे। मतलब तुमने तो टैटू बनवा रखा बहुत पहले। ऐसा तो हमारा भी टैटू नहीं जैसा तुम्हारा टैटू है पर तुम तो बड़े बेवफा हो, अपने पति का नाम नहीं लिखवाया अपना नाम लिखवा रखा ये सोचा कभी मैं मेले में कहीं खो जाऊं तो मुझे ढूंढ के ले आवेंगे दर्द नहीं हुआ था माता? कब बनवा था? कितने साल की थी? कितने साल की? 6-7 साल। 6-7 साल की थी जब ही बनवा लिया था? चाची ने भी तो खुलवाए थे अपने। अच्छा ये देखो जानती नहीं चाची को। माता ने नाम लिखवा रखा है मेरी ओम बनवा के सुनीता देवी। और अब इस टाइम पे हम फैशन वाले टैटू बनवाते हैं
ये कैसे पता चला कि इसमें चिन्नी कम रहेगी भाई? करड़ा होता चला जाएगा, शेड़ा होता जाएगा, करड़ा होता जाएगा। अच्छा गर्म है भी। ओके अब ये टाइट हो जाएगा फिर, है ना? मावा बैठ जाएगा शेड़ा उत्ते ही फिर लड्डू। और गाइज ये हमारे लड्डू बनने तैयार हो गए, देखो कितने अच्छे लग रहे देखने से ही। माता ये बोल रही है कि थाली भर लेने दो तब दिखाना। ये ऐसे ही दिख जाएगा कि आप लड्डू बना रहे हो बहुत सारे, ठीक है माता? हाँ लड्डू तो बन ली गए। हाँ किसके लिए? प्रिया के। प्रिया के नहीं, जमाई के। प्रिया के कहने से कोई लड्डू ना बन रहे थे। बताया ना, प्रिया के कहने से कोई लड्डू ना बन रहे थे, ये तो स्पेशल अमित के लिए बन रहे हैं। लाऊं ये सभी लड्डू तैयार, और अब हम देखेंगे, अब मार्केट जाएंगे। मार्केट जाने का टाइम हो गया, रात खाली हो गई, अब चलते हैं मार्केट थोड़ी देर में। तब तक मैं भी रेडी हो जाती हूँ क्योंकि उसके बाद फिर वापस भी जाना है। गाइस मैं तो रेडी हो गई और अभी मम्मी थोड़ा काम करने गई हुई है नीचे इधर घेर में, तो मम्मी आएगी, मम्मी रेडी होएगी, फिर हम मार्केट जाएंगे। पता नहीं कितना टाइम लगेगा अभी, बाकी मन तो मेरा चाय पीने का हो रखा है, तो अभी देखती हूँ चाय पीऊँगी, आके मम्मी आएगी तो पूछूँगी बनाऊँगी। ये गाइस अभी मम्मी लॉक करके अब हम निकल रहे हैं, पता नहीं। ओ तरीकी अमन अंदर बैठा था और मम्मी ने बाहर से लॉक कर दिया। अमन 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 क्या था यो, तेरी नानी तो तुझे लॉक करके चल दी थी। आजा माता, आजा 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 आजा। गाइस ये हम पहुंच गए अपने इधर शॉर्टकट से मार्केट में। कामू के केस में सफेद कंटिन्यू। गाइस मेरी माता ने एक कड़ा दिलवा दिया मुझे फाइनली। ये अभी हम पहुंचे दुकान पे, यहाँ से लेना है हमें कंटेनर जिसमें मुझे अचार लेके जाना है आम का, और एक वो लेके जाना है लड्डू अमित वाले, यहाँ से लेंगे अभी डब्बे। माता कुछ लेना है? कुछ लेना मेरी तरफ से गिफ्ट? देखो कुछ लेना हो तुम्हें जो पसंद आए। ये चलो थोड़ा आगे आगे, ये तो जैन मंदिर है। ओ अभी यहाँ से लेंगे हम चप्पल। माता लेना कुछ और खाने का। गाइज इस गली से ना, जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब ऐसी थर्ड फोर्थ क्लास में, तब मैं स्कूल जाया करती थी, और आज भी ये गली ऐसी है, इतनी गंदगी है। तब भी हम ऐसे ही जाते थे और अभी भी देखो कितना गंदा है। पता नहीं माता, मैं तो जिस दिन से पैदा हुई और जिस दिन से आज तक भी ऐसी की ऐसी है, कितनी बार ये बन चुकी, पर ये यहाँ की कभी भी जो मतलब गंदगी नहीं गई कभी भी। हाँ ये देखो इसमें चलने का रास्ता बसता कितना है। और ये हम जाने लग रहे घर वापस, सामान सारा हो गया है। बस गाइस अभी हम लोग घर पहुंचे हैं। घर पहुंचते मुझे लगी अभी बहुत तेज प्यास है। और अभी आप लोगों को पता चल गया होगा हम क्यों गए थे मार्केट। मुझे मम्मी ने कड़ा दिलवाया है गोल्ड का, वो इसलिए क्योंकि मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती, बैंगल्स नहीं पहनती बिल्कुल भी। तो मम्मी बोली खाली हाथ अच्छा नहीं लगता, एक हाथ में घड़ी तो एक हाथ में कड़ा पहन लिया कर। और ये मैं काफ़ी टाइम से घर आ नहीं पा रही थी, जब हम केरला थे तब से ही ये बहुत पहले से बार बार बोले जा रही थी मम्मी। तो आज फाइनली मुझे मेरा कड़ा मिल गया। अभी मैं और अमन हम दोनों निकल रहे हैं क्योंकि हमें जाना है ट्रेन से, हम लेट हो रहे हैं, फिर
अभी 1:30 बज गया है, 1:30 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, बाई बस वहाँ पहुँचेंगे बड़ौत और फिर वहाँ से हमें ट्रेन लेनी है, तो अभी चलते हैं। और ये देखो पापा क्या करवाने लग रहे हैं। ठीक है पापा जी, नमस्ते, चले हम, बाय बाय। ये झुट्टे के पैरों पर खुरी चढ़ रही, मतलब चलो मेरी मम्मी बोल रही है भागो, चलो 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 चलते। अवन को जब चलने के टाइम पे अभी याद आ रहे मेरे जूते कहाँ है। जूते तो तेरे यही है, तेरी नानी ऊपर वो भी बंद कर आई लोग। भाई तू तो इनकी चिट चैट देखो। चलो जल्दी ऊपर आजा, पहन लिए, और कुछ रह गया वो तेरा, वो भी देखिए ऊपर कड़ा कड़ा, तो तुझे मिले भी नहीं, अब जब तक नहीं मिले जब तक तू 12th भी पास नहीं कर ले, ठीक है। चलो बाय बाय करते।